नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बेटी आरती राव को लॉन्च करने के लिए बीते कई सालों से प्रयासरत है, हालांकि अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम से लेकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल तमाम जगह आरती राव भी लगातार एक्टिव दिखाई दे रही हैं, लेकिन आरती राव द्वारा दिए गए बयान उन पर भारी पड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। गुरुग्राम लोकसभा की रैली के मद्देनजर पटौदी में दिए गए बयान के बाद आरती राव ने मीडिया से शायद दूरी बना ली है। रेवाड़ी में तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब उनसे बात करने के प्रयास किए गए तो वह बचती हुई नजर आई। लेकिन नारनौल में जिस तरह से आरती राव ने प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव को लेकर एक बयान दिया, उसके भी कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि आरती राव इस दौरान युवाओं की पैरवी भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। आरती राव ने यह भी कहा कि युवाओं को साथ लेकर ही राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है। सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री को बुजुर्ग भी बताया, लेकिन आरती राव शायद भूल गई कि उनके पिता मंत्री यादव से 6 साल बड़े हैं। हम यहाँ कतई नहीं कह रहे कि बुजुर्गों की टिकट कटने की बात कही जा रही है, लेकिन बुजुर्ग व युवाओं की टीम बनाकर किस तरह से राजनीति में आगे बढ़ा जाए, आरती राव इसको समझाती हुई जरूर दिखाई दे रही है। जो आपने टीम आरती राव बना रखी थी मोटरसाइकिल से, युवा साथी मेरे, युवा साथी अब सारे छोटे हो गए, मैं थोड़ी बड़ी हो गई। बहुत बहुत जो जोश आपने आज दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन युवाओं को साथ लेकर अगला इलेक्शन हम सभी ने लड़ना है। इनके बिना तो कुछ होने नहीं वाला, तो आप सबकी जरूरत पड़ेगी। आप बुलाओ, अगली बारी मैं फिर आऊं, इतना प्यार पाऊं, हमेशा आऊंगी आपके पास। ऐसे ही प्यार देते रहना, यथावत करते रहना। आप सभी का बहुत बहुत